नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के गुमला के चैनपुर पारिस में दो दिवसीय गुमला धर्म प्रांतीय कौथलिक सभा का आयोजन, 28वीं वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। चैनपुर के संत जॉन चर्च परिसर में गुमला धर्म प्रांतीय कौथलिक की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुमला धर्म प्रांत के 9 विकारियट के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चैनपुर पल्ली पुरोहित फादर जेबेरियानुस किंडो ने बताया कि वार्षिक आमसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दो दिन आमसभा में हजारों की संख्या में पल्लियों के सदस्य शामिल होंगे। 25 मई को कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 3 बजे किया गया, जिसके बाद शाम 6 बजे कमेटी की बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पल्लियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसमें गुमला धर्म प्रांत के सभी भिकारियट की नेत्रियों द्वारा भिकारियट के झंडा के साथ मुख्य अतिथि गुमला धर्म प्रांत के बिशप लिनस पिंगल एक के समेत अन्य अतिथियों को स्टेज पर लाया गया, जहां बिशप लिनस पिंगल एक का संत पापा का झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान सामूहिक रूप से संत पापा का गीत गाया। इस बीच चैनपुर पल्ली पुरोहितों के द्वारा बाइबल पाठ व प्रार्थना किए गए। इसके बाद सेत कुमार इक्का द्वारा स्वागत भाषण के बाद गुमला धर्म प्रांत के सभी 8 भिकारियट मांझा टोली चैनपुर नवाडी बनारी करोंदा बेड़ा ममरला कोनबीर नवटोली व गुमला द्वारा भिकारियट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जहां कार्यक्रम के बाहर से आए सभी 9 भिकारियट के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था चैनपुर पल्ली के द्वारा की गई थी। यह कार्यक्रम का समापन 26 मई की सुबह मिस्सा पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में चैनपुर क्षेत्र के हजारों की संख्या में ख्रीस्त विश्वासी उपस्थित थे। चैनपुर से संवाददाता निखिल सिंह की रिपोर्ट।